दोस्तों, अगर आपने भारत के जाने माने मल्टीविटामिन देखे होंगे तो उसके इंग्रेडिएंट में आपने जिनसिंग जरूर देखा होगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जिनसिंग क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आज हम जिनसिंग के बारे में बात करेंगे कि जिनसिंग क्या चीज़ है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जिनसिंग एक चाइनीज़ और कोरियन प्रोडक्ट है। ये चाइना में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक छोटे से पेड़ की जड़ को इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ चाय में इस्तेमाल किया जाता है और अब पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। इसे होम्योपैथिक में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मर्दों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी औषधि मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला इसका फायदा है, मोटापे को कम करता है। अगर आप जिम जा रहे हैं, वजन कम करना चाहते हैं तो जिनसिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिनसिंग आपकी कैलोरी को कंट्रोल करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को सही करता है और आपके वजन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये ज़्यादा देर भूख नहीं लगने देता और अगर आप मर्द हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, जो कि आपकी फैट लॉस में हेल्प करता है। बीपी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है तो बीपी को कंट्रोल करने में यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। यह बीपी को कंट्रोल करता है और आपकी सेहत को सही रखता है। महिलाओं के लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, खास करके मैरिज के बाद हार्मोन इम्बैलेंस होने की शिकायत हो जाती है। कई महिलाओं में शादी से पहले ही हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे कि कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे कि स्तन कैंसर, पीडियोसिस, पीसीओसिस। तो उन सभी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आप जिनसिंग का सेवन भी कर सकती हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, यह मर्दों के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है। यह मर्दों की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। यह यौन शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही अगर ईडी की प्रॉब्लम है उसे दूर करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। दोस्तों, इतने ज़्यादा फायदे मर्दों के लिए हैं। अगर आप कई तरह की औषधियाँ इस्तेमाल करके थक चुके हैं तो एक बार आपको जिनसिंग का सेवन जरूर करके देखना चाहिए। यह नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देता है और जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी को फ़ायदा मिलता है। अगर आपकी मेमोरी वीक है, बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं, वक्त के साथ साथ जब आपकी एज होने लगती है वैसे भी मेमोरी वीक होने लगती है, तो आप जिनसिंग का सेवन कर सकते हैं। यह स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और मेमोरी को शार्प करने का काम करता है। इसे एंटी एजिंग भी कहा जाता है। एंटी एजिंग इसलिए क्योंकि मेमोरी तो ये शार्प करता ही है, इसके साथ साथ और भी कई तरह के फ़ायदे आपको देता है, जैसे कि आपके जोड़ों के दर्द को दूर करता है, आपके फेस पे चमक लाता है, फेस की आपकी जो झुर्रियाँ वगैरह हैं उन्हें दूर करता है, इस तरह के सभी प्रॉब्लम ठीक करता है। इसके साथ साथ बढ़ती उम्र में आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, उसे भी ठीक करने में मदद करता है। आजकल इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, तो अगर आप जिनसिंग का सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। यह सर्दी खांसी जुकाम इत्यादि नहीं होने देता। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल नॉरिश नहीं है, तो बालों के झड़ने की समस्या से निजात पाने के लिए भी जिनसिंग का सेवन किया जा सकता है। तो दोस्तों, इतने ज़्यादा फायदे हैं जिनसिंग के, तो अगर आप जिनसिंग का सेवन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब हम बात करते हैं कि जिनसिंग का सेवन कैसे करें और कब करें। अगर आप कोई मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें जिनसिंग है तो एक्स्ट्रा जिनसिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप जिनसिंग कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, किसी अच्छे ब्रांड का। अगर आप नहीं बाय कर रहे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं और दोपहर को लंच के बाद एक कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं तो दो कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब था अबाउट जिनसिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।